दोस्तों, दीपावली की रात ये एक काम अवश्य करें, इससे पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ ये भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात ये एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव न पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:52 से 8:41 तक रहेगा। अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को सुबह 6:22 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को सुबह 8:46 पर समाप्त होगी। लक्ष्मी गणेश पूजन आपको इसी मुहूर्त पर करना है। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है, इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही करें पूजा पाठ। और स्माइल फैमिलीज ओनर अपने परिवार सहित मुहूर्त पर ही दीपावली पर पूजा करता है, आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें, बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती है, इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है, हमारे घर में माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। स्माइल फैमिलीज चैनल वह आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी, यह शास्त्र आधार पर जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माँ नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था, इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है, माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है, धन वैभव से घर भर जाता है, उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान है, माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी। मां बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है, वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी, इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है, इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं, जो लोग कर्ज लेते हैं कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता का वास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रूष्ट हो जाती हैं। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धनो धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है।
माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की कम से कम आप वह गलती ना करें। माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा छठ की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा खीर पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि ये खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें। दोस्तों, देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। यदि दीपावली शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीपावली शुक्रवार की पड़ जाए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धनो धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए, ये रंग विधवा रूप माना गया है, तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। स्माइल फैमिलीज ओनर भी माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अवश्य अर्पित करते हैं। आप भी करें। दीपावली पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए, पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से माला माल कर देती है। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माँ दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है और उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। दोस्तों, साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श न करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन आलक्ष्मी धारण करती हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं।
हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि ये धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे अठन्नी हो, चवन्नी हो, 10 पैसे ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। आपका प्यार, सच्चे हृदय से माँ के लिए पुकार, माँ के प्रति आपके लिए ममता आप में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी करुणामयी है, जो सब पर करुणा करती है, करुणा बरसाती है, ममता बरसाती है, प्यार देती है, अपने लाल को कभी दुखी नहीं रखती। अगर आपकी माँ नहीं है, तब ऐसी स्थिति में दीपावली पर सच्चे हृदय से माँ को पुकार कर देखिए, उनके लिए रोकर देखिए। माँ जब दीपावली पर धरती पर आएगी, तब सबसे पहले वह आपसे ही मिलेगी, क्योंकि यह जगत माँ है और आपने सच्चे हृदय से माँ को बुलाया था। माँ आपके सभी कष्टों को दूर करेगी, वह आपको गले लगा लेगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसीलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए, इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। जो लोग पूजा पाठ में सूंघकर फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वह व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयां अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयां नहीं है, तो आप माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे, वह कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है, तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे, तो माता रानी बहुत खुश होती हैं और सदैव उसी घर में वास करती हैं जो सच्ची श्रद्धा से ही पूजा पाठ करता हो। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योत लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसीलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों, अगरबत्ती दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजन में इस्तेमाल भूल कर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्ण यानी श्री हरि, श्री हरि यानी माता लक्ष्मी, उनकी अर्धांगिनी। इसीलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना, माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी और उल्टा आपको बर्बाद कर देंगी। हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें, इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा, तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे दीपावली की पूजा अधूरी है। उनका नाम या स्मरण अवश्य कर ले। दोस्तों, दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए, या आपके घर पर उल्लू वगैरह आ जाए, तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मुश्कराज भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे ये पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दोस्तों, खास दीपावली पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियां सक्रिय रहती हैं, इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगोगे, आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से मालामाल कर देगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उन सबका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा।
दोस्तों अब जानते हैं उपाय के बारे में जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। ये उपाय आपको खास दीपावली पर करना है। दोस्तों अक्षत का उपयोग यानी चावल बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेना है और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम या रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ऊं महालक्ष्मी नम। दोस्तों और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं। ये उपाय आपको जल्द से जल्द महाधनी बना देगा। दीपावली पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और ये पोटली आप जहां भी रखेंगे वहां पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें या फिर इसे आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है ये जो आपने पोटली बनाई है चावलों की, ये माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन बड़ी ही तेजी से आकर्षित होता है। दोस्तों ये 11 अक्षत का उपाय आपको दीपावली की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना है। रोली सभी के घर मिल जाती है, चावल भी बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का सबसे छोटा सिक्का ₹100 का मिल जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए तथा धन की प्राप्ति के लिए अक्षत का उपाय अवश्य करें, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और यह चावल जागृत हो जाते हैं। इस पर माता लक्ष्मी विश्राम करती है, वास करती है। दोस्तों माता को अपने घर पर बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है, हमारे घर में मां के लिए एक लायक तो बनता है।